हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी। फ्रेंड्स, हमारी ये कम्युनिकेशन सीरीज की तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, तो उनको जरूर देखिएगा। इस सीरीज में हम अलग अलग सिचुएशन में आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में बहुत ईजिली, तो उसके ऊपर हम बेसिक सेंटेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने जो पिछली दो वीडियो बनाई थी उसमें हमने पहली जो वीडियो थी जो डे टू डे यूजेज में सेंटेंस यूज होते हैं हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और दूसरी वीडियो में हमने जो बात की थी वो आप अगर फ्लाइट से ट्रेवल करने वाले हैं तो आप वहाँ पे कितनी ईजी कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सीरीज हमारी इसी तरह आगे बढ़ेगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पूरी सीरीज फॉलो कीजिएगा। हमारी अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग सीरीज चल रही हैं, इसलिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को भी जितना हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सीरीज में जो हम इस पार्ट थ्री के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं डायरेक्शंस के ऊपर, कि आप किस तरीके से डायरेक्शंस की जो गाइडेंस है, अगर आपसे कोई रास्ता पूछता है या आप खुद रास्ता पूछना चाह रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत कॉमन सिचुएशन है, ये भी नॉर्मली सिचुएशन में आप किसी से, अगर किसी ऐसी सिटी में हैं जहाँ पे आप मान के चलिए आप साउथ में हैं या कर्नाटका में या फॉरेन में हैं, तो आपको वहाँ पे अगर कम्युनिकेट इंग्लिश में करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। रास्ता कोई आपसे पूछ रहा है, कोई फॉरेनर है, अगर वो आपसे रास्ता पूछ रहा है या आपसे इंग्लिश में कोई रास्ता पूछ रहा है तो आप किस तरीके से बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाउ यू कैन आस्क फॉर डायरेक्शन, आप किस तरीके से डायरेक्शन को लेकर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्षमा कीजिए, मैं रेलवे स्टेशन कृपया कैसे पहुंचूं। एक्सक्यूज मी, हाउ डू आई गेट टू द रेलवे स्टेशन प्लीज। एक्सक्यूज मी, हाउ डू आई गेट टू द रेलवे स्टेशन प्लीज। क्षमा कीजिए, कृपया निकटतम पोस्ट ऑफिस कहाँ है, या आप कह सकते हैं जो आप नॉर्मली पूछते हैं कि कृपया करीबी पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस प्लीज। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस प्लीज। क्षमा कीजिए, मैं नंबर 6 बस स्टॉप की तलाश कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आई एम लुकिंग फॉर द नंबर 6 बस स्टॉप। एक्सक्यूज मी, आई एम लुकिंग फॉर द नंबर 6 बस स्टॉप। ये आप डायरेक्शन बता रहे हैं, ये यहाँ से लगभग 5 मिनट है। इट्स अबाउट 5 मिनट फ्रॉम हेयर। इट्स अबाउट 5 मिनट्स फ्रॉम हेयर। ये लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर है। इट्स अबाउट अ 10 मिनट वॉक। ये लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर है। इट्स अबाउट अ 10 मिनट वॉक। ये आसान है अगर मैं आपको नक्शे पर दिखा सकता हूं। इट्स ईजियर If I can you show you on the map. It's easier if I can show you on the map. यह स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं, अगर आप जैसे आप बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से दाएं मुड़े या बाएं मुड़े, टर्न लेफ्ट टर्न राइट, जैसे आप पर्टिकुलर एक काफी लंबा रास्ता है उसके ऊपर कुछ अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन बताना चाह रहे हैं तो आप जैसे कि रोशनी पर सीधे जाओ या ट्रैफिक लाइट है सामने उस पर सीधे जाएं, जब आपको चौराया दिखे, चौराया जो आप नॉर्मली कहते हैं जो चौराया दिखे तो आप वहां से सीधे जाएं। तो लाइट्स का मतलब जो है वहां पे ट्रैफिक लाइट आप यूज कर सकते हैं, चौराया वो आपको पता ही है जहां दो सड़कें पार करती हैं। तो गो स्ट्रेट ऑन एट द लाइट्स, गो स्ट्रेट ऑन एट द ट्रैफिक लाइट्स व्हेन यू कम टू द क्रॉस रोड्स। तो चौराहे को आप क्या कहेंगे, क्रॉस रोड्स, ठीक है। गो स्ट्रेट ऑन एट द लाइट्स When you come to the crossroads, गोल चक्कर, गोल चक्कर के पार जाओ, go across the roundabout, go across the roundabout, पहली सड़क मत लो, don't take the first road, पहली सड़क मत लो, don't take the first road, टैक्सी रेंगी एक लैंडमार्क, एक तरीके से कीवर्ड है जो कि जहाँ पे काफी सारी टैक्सीज किसी क्रॉस रोड पे या किसी चौराहे पे काफी सारी टैक्सीज क्यू बना के खड़ी होती हैं, तो उस जगह को हम नॉर्मली जो कहते हैं वो टैक्सी रेंग कहते हैं लैंडमार्क के तौर पे। और फ्लाईओवर या ओवरपास जो है, ठीक है, तो उसको भी जहाँ फ्लाईओवर के बारे में आप जानते होंगे, रोड डेट गोज ओवर अनदर रोड, तो आप नॉर्मल फ्लाईओवर के बारे में तो जानते हैं, तो उसके तो ये वर्ड्स के बारे में थोड़ा, लैंडमार्क के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। तो जैसे आप सम अदर सेंटेंस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्षमा करें मुझे सुपरमार्केट कहाँ मिल सकता है। एक्सक्यूज मी, वेयर कैन आई फाइंड अ सुपरमार्केट। एक्सक्यूज मी, वेयर कैन आई फाइंड अ सुपरमार्केट। क्षमा करें, मैं रेलवे स्टेशन पर कैसे पहुंच सकता हूँ।
एक्सक्यूज मी, हाउ कैन आई गेट टू द रेलवे स्टेशन? क्षमा करें, मैं शहर के केंद्र में कैसे पहुंचूं? एक्सक्यूज मी, हाउ डू आई गेट टू द सेंटर ऑफ टाउन? हाउ डू आई गेट टू द सेंटर ऑफ टाउन? क्षमा करें, क्या रेलवे स्टेशन के लिए यह सही तरीका है? एक्सक्यूज मी, इज दिस द राइट वे फॉर द रेलवे स्टेशन? या क्या यह रेलवे स्टेशन के लिए सही रास्ता है? इज दिस द राइट वे फॉर द रेलवे स्टेशन? क्षमा करें, मुझे स्विमिंग पूल की तलाश है। एक्सक्यूज मी, आई एम लुकिंग फॉर द स्विमिंग पूल। आई एम लुकिंग फॉर द स्विमिंग पूल। क्षमा करें, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शहर का संग्रहालय कहाँ है? एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी वेयर द टाउन म्यूजियम इज प्लीज? एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द टाउन म्यूजियम इज? या इस तरीके से भी कह सकते हैं आप। क्षमा करें, कृपया निकटतम डाकघर कहाँ है? एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस प्लीज? वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस प्लीज? क्षमा करें, क्या आप जानते हैं कि टाउन हॉल कहाँ है? एक्सक्यूज मी, डू यू नो वेयर द टाउन हॉल इज? डू यू नो वेयर द टाउन हॉल इज? क्षमा करें, क्या आप मुझे मोटरवे के लिए निर्देश दे सकते हैं? एक्सक्यूज मी, कुड यू गिव मी डायरेक्शंस फॉर द मोटरवे? मेरे घर से सम्मेलन केंद्र तक कितनी दूर है? हाउ फार इज इट टू द कॉन्फ्रेंस सेंटर फ्रॉम माय होम? हाउ फार इज इट टू द कॉन्फ्रेंस सेंटर फ्रॉम माय होम? कितना समय लगेगा वहां तक जाने के लिए? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर? कृपया क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? मैं खो गया हूं। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी? आई एम लॉस्ट। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी? आई एम लॉस्ट। निश्चित रूप से आप कहां जाना चाहेंगे? सर्टेनली वेयर वुड यू लाइक टू गो? सर्टेनली वेयर वुड यू लाइक टू गो? बैंक के बगल में बाई और सुपर मार्केट है। द सुपर मार्केट इज ऑन द लेफ्ट नेक्स्ट टू द बैंक। द सुपर मार्केट इज ऑन द लेफ्ट नेक्स्ट टू द बैंक। सीधे जारी रखें, कंटिन्यू स्ट्रेट ऑन। तो फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट अवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, और आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फ्रेंड्स।